व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप देख रहे हो अपना विशाल बूम। तो भाई आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है भाई मेहंदीपुर बालाजी के ऊपर, क्योंकि मैं जा रहा हूँ घूमने और मैंने सोचा अपने चीतों को भी दिखाया जाए कि किस तरीके से मेहंदीपुर बालाजी होता है। तो एक एक्सपीरियंस छोटा भाई अपना जा रहा है, ये रहा, ये गया हुआ भाई। कितनी बार गया हुआ है तू? 3 साल से जा रहा हूँ। 3 साल से? और तूने देखा है भूत भूत? हाँ हाँ। कैसे दिखते हैं वहाँ पर? इंसानों के ऊपर होते हैं। अच्छा, इंसानों के ऊपर होते हैं। और वहाँ लेके किस लिए जाते हैं इनको, कि भूत भूत उतारने के लिए? हाँ, वो संकट वहीं कर जाता है, फिर वो हमेशा के लिए कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। तो भाई चलते हैं। फिर 3 पहाड़ियाँ भर आए हैं, 7 पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, 3 पहाड़ है, 7 पहाड़ है, और बाकी सब कुछ इस व्लॉग में मैं बताता रहूँगा। तो अभी चलते हैं। और अभी भाई कहाँ पर आ रखे हैं हम? आ रखे हैं द्वारका। अभी आ रखे हैं भाई द्वारका। और अपनी बस कहाँ खड़ी है? हमारी बस खड़ी है पीर बाबा पे खड़ी है। तो भाई मैं पूरी लोकेशन बता देता हूँ। आकाश जो हॉस्पिटल है ना, उसके बैक साइड में पीर बाबा दरगाह पड़ती है, तो वहाँ बस हमारी खड़ी हुई है और हमें चलना है मेहंदीपुर बालाजी। अभी रात के बज रहे हैं भाई 11, रात में निकलेंगे, सुबह हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे और मैं आपको सबको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मेहंदीपुर बालाजी में क्या क्या होता है, सब कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में। दिल थाम के बैठना भाई, क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे को भी नहीं पता, ज़्यादा एक्सपीरियंस सिर्फ इसी बंदे को है। चलते हैं, व्लॉग को शुरू करते हैं। व्लॉग को शुरू करने से पहले अपना इंट्रो दे देता हूँ। सो बूम 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 मेरे चीतों, कैसे हो आप सब? आप देख रहे हो अपना विशाल बूम, ब्लैक ब्लैक आ रहा हूँ उसका कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर लाइट कमजोर है। और चलते हैं, यहाँ पर हमारे टोमी साहब सब्सक्राइब करके बैठे हैं, दूर हो जाते हैं, तो चलो निकलते हैं और आप सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, इस क्लिप के बाद ना मैंने 2-3 क्लिपें और ली थी जो मैंने बस के अंदर ली थी, जो सेटिंग्स कैमरे में थी जो इससे पहले क्लिप में थी वही सेम सेटिंग के साथ मैंने ये क्लिप्स भी ली थी, बट उसमें पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो क्लिप मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा, कई लोग सोचेंगे भाई म्यूट कर दिया, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे आओ, वहाँ पर मैं आपको रियल वही क्लिप दे दूंगा जो मैंने वहाँ रिकॉर्ड करी है, और भाई साउंड ही नहीं है क्लिप में, बहुत थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है। तो मेरे को यकीन नहीं हुआ जब मैं एडिटिंग के लिए बैठा ना, फिर मैंने देखा कि भाई तो साउंड ही नहीं आया है। तो उसके बाद फिर मैं ढाबे पे गया और वहाँ पर कुछ खाया पिया। तो गाइस काफ़ी दूर चलने के बाद भूख लग गई थी, तो भूख लगने के बाद तुम्हारे भाई ने क्या मंगाया, स्पेशली मंगाता हूँ, तो यहाँ के जो स्पेशल थाली है वो मंगा रखी है। इसकी कॉस्ट यहाँ पर पड़ रही है भाई 250, बहुत ही ज़्यादा है। और इसके अंदर क्या मिला हुआ है, ये 3 रोटी मिली है, ये पनीर की सब्ज़ी मिल रखी है, और ये सलाद से मिल रखी है, और इतने से चावल, जिसका कॉस्ट कर रहा है 250, बहुत ज़्यादा है सच में। लेकिन बट ये एसी है पूरा, देख रहे हो पूरा एसी है, देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर एक सलाद और ला दिया इन्होंने, देखते टेस्ट कैसा निकलता है, उसके बाद चलते हैं भाई अपने बालाजी। सोची तो रात को मैं आ गया था यहाँ पर, और रात को मैंने व्लॉग इस वजह से शूट नहीं करा क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरे को अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके मेरे को यहाँ पर व्लॉग शूट करना पड़ रहा था, तो उस वजह से मैंने करा नहीं। अभी हो रही है भाई सुबह, पहले तो मैं तुम्हें धर्मशाला दिखा देता हूँ, धर्मशाला किस तरीके की है। यहाँ पर एक एसी लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ खोपचे टाइप के बने हुए हैं कि इसमें सामान रख सकते हैं, और अभी भी ना सिर्फ एक एलईडी बल्ब जो ये लगा हुआ है, इस एलईडी बल्ब की सहायता से मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ खास ये धर्मशाला है नहीं, एक रूम मिला है 500 रुपये में, बट यही अच्छी चीज़ है। तो अभी चलेंगे मेहंदीपुर बालाजी, यहाँ पर पड़ता है आपका 100 मीटर की दूरी पे, उसके सामने पड़ता है प्रेतनाथ जहाँ पर वो भूत वगैरह उतारे जाते हैं लोगों के ऊपर से। तो सारा दिखाऊंगा व्लॉग, जितना शूट हो पाएगा बेस्ट से बेस्ट मैं शूट करके दिखाऊंगा, तो देख लेना, दिल थाम के बैठना भाई, मज़ा आने वाला है व्लॉग के अंदर। कैमरे से शूट होगा कैमरे से शूट करूंगा, फ़ोन से शूट होगा तो मैं फ़ोन से शूट करके दिखाऊंगा, बट दिखाना है, चीतों का डर निकालना है। भूत से तो मैं डरता नहीं पहली बात तो, और चीतों का डर तो मैं निकाल ही चुका हूँ पहले ही। तो चलो चलते हैं, मैं बस जूते पहनने हैं, जूते पहन के यहाँ से निकलता हूँ। सो गाइस अभी आ चुके हैं हम बाहर, और यहाँ पर आप भीड़ देखोगे ना, पीछे भीड़ कितनी हो रही है, और सामने भी देख लो भीड़ कितनी हो रही है। और अभी मैंने एक आंटी को देखा, वो जो बाल इलाके नहीं करते पूरा सिस्टम, उस तरीके का देखा, बस वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इतने में उनको उठा के अंदर ले गए, तो पता ही नहीं चल पाया। अभी अंदर चलते हैं जहाँ पर प्रेतना, जहाँ पर आत्माएँ उतारे जाते हैं, और ये मेरे पापा जो बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं कि कैसे भूत उतारा जाएगा मेरा, कि मैं ये वीडियो बनाना छोड़ दूँ, इनको लगता है कि मेरे भूत चढ़ रखा है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो ऐसे देखते हैं। और यहाँ पर देखो बजरंग बली के गधे वगैरह रख रखे हैं, और अपन अभी बिल्कुल नंगे पैर है क्योंकि अंदर जूते पहन के जाना अलाउड नहीं है। और अब जो रिकॉर्डिंग हो रही है सारे भाई पूरे फ़ोन से होगी, क्योंकि कैमरा भी अंदर अलाउड नहीं है, छुप छुपा के जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी सारी इसी फ़ोन से होगी। तो भीड़ देख लो भाई, पीछे काफ़ी भीड़ है, तो अंदर चलते हैं। इसके बाद भाई मेरी बालाजी मंदिर में एंट्री हो गई थी, तो मैं वहाँ से ना फ़ोन से कुछ अपनी वीडियोस बना रहा था, इस तरीके से वीडियो अपने शूट कर रहा था, पूरा बालाजी मंदिर में दिखा रहा था, बट वहाँ के एक बंदे ने मेरे को पकड़ लिया कि भाई यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, और उसने मेरे को यहाँ तक कहा कि अगर भाई वीडियो बनाओगे तो ये तुम्हारा फ़ोन तोड़ दिया जाएगा। और मैंने अभी नया फ़ोन लिया था, तो मैं नहीं चाहता वो टूट जाए, तो कह रहा भाई इसको डिलीट कर दो, और उनको इतनी नॉलेज थी कि वो मेरे रिसाइकल बिन्स में जाके उसको डिलीट करवाया, तो वो फाइल मेरे को डिलीट करनी पड़ेगी। बट जो कुछ फाइलें मैंने छुप छुप के जो ली है, वो आप कुछ क्लिप्स देख लो, वो मैं इस वीडियो में
डाल दूंगा और आप देखोगे ना कि किस तरीके से वहाँ टोना टोटका करा जाता है कि अपने घर का भूत ना किसी और के घर पे लगाया जाता है। आप देखो मतलब वहाँ पर ताले लगा दिए जाते हैं, धागे बांध दिए जाते हैं। यहाँ पर भाई देखो ऐसे लोग अपने ताले वगैरह लगा के चले जाते हैं, डोरी वोरी मतलब जिसको मन्नत मांगनी होती है ना वो ऐसे अपने ताले वगैरह लगा के चले जाते हैं। हर तरफ दिखेगा आपको भीड़ कितनी होगी, पहले भीड़ तो देखिए। यहाँ देखो भाई लोगों ने अपने ताले वगैरह बांध रखे, मन्नत पूरी करनी, देखो ताबीज रखा रखा पूरे में। ये देखो ऊपर देखो, ये पूरे यहाँ पर देख रहे हो पूरे ताले ताले लगे हुए हैं। इस तरफ भी देखो पूरे ताले हैं और यहाँ ताबीज लटका रखे, जिसकी मन्नत पूरी करनी होती है पूरे में। देखो ये वो भीड़ देख रहे हो कितनी हो रही है, कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई, हद से ज़्यादा। ये देखो पूरे ताबीज वगैरह जिसको अपनी जो मन्नत पूरी करनी है वो पूरा, बहुत भीड़ है देख रहे हो। यहाँ देखो भाई लोग अपने ना जो हाथ के निशान होते हैं वो छाप के चले जाते हैं, देख रहे हो पूरे में। ये देख रहे हो यहाँ पूरा एक गंद फैला रखा है और यहाँ पर पूरे हाथ के निशान छाप रखे हैं पूरे में, और ये ऊपर पूरे ताले वगैरह। भाई वो देखो आंटी को जो वो जो अपनी गर्दन जा रही है ना उनके ऊपर इसके मुड़ा रखा, और जो सामने वाले ना उनके ऊपर भी आत्मा आ रखे हुए, देख रहे हो ये दोनों पे आ रखे हैं इसके। सो गाइस अभी तक जो भी आपने क्लिप देखी थी वो भाई बालाजी मंदिर के अंदर की थी, वहाँ पर जो भूत उतारे जाते हैं उनकी थी। वो जिस तरीके से एक्टिविटी कर रहे थे वो मैंने कैप्चर करा अपने फ़ोन में जितना मैं कर पाता, क्योंकि बार बार मेरा फ़ोन पकड़ा जा रहा था और मेरे पापा ने ये बोल दिया था मत करे काम, पकड़ा गया फ़ोन तो तोड़ देंगे यहाँ पर, यहाँ की कोई जिम्मेदारी नहीं। वहाँ पर साफ लिखा भी हुआ है कि फोटोग्राफी और वीडियो बनाना निषेध है। तो भाई मैंने जो छुप छुपा के जितनी 4-5 क्लिप मैं बना पाया वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दी। इसके बाद मैं गया भाई समाधि वाले बाबा पे, वहाँ पर भी भाई भूत उतारे जाते, तो जो औरतें थी ना भाई उनके पूरे बाल खुले और यूं यूं घूमे जाएं भाई साहब, मैं देख के बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि मैंने इतनी हॉन्टेड जगहों को आज तक कवर करा है, पूरी रात वहां रहा हूं। एशिया की नंबर 1 हॉन्टेड जगह है जो मैंने वहाँ पूरी रात स्टे करा भानगढ़ के अंदर। वहाँ का मैं ब्लॉग नहीं बना पाया बट मैंने स्टोरी डाली थी, क्योंकि वहाँ के ब्लॉग में कुछ करप्ट हो गया था इस वजह से मैं ब्लॉग डाल नहीं पाया। कुछ दिन में आएगा वो ब्लॉग भी, बट अभी बात कर लेते बालाजी की। तो भाई जब मैं समाधि वाले बाबा के पास गया तो वहाँ पर मैंने देखा भाई वो जो औरतें इस तरीके से पूरा साली डाली थी, तो उसमें भी मैंने 4-5 क्लिप बनाई, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा था ना वहाँ पर भी उसको भी मैं देख के हैरान था। तो पहले आप वो जो 4-5 क्लिप्स है ना वो देखो, उसके बाद मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ हुआ क्या। ये देखो भाई सामने इनके ऊपर शायद कोई आत्मा वगैरह आ रखी है, ये देख रहे हो थोड़ा ब्लर हो रहा होगा इसमें। बाकी ये देखो ये पूरा व्यू है यहाँ का, और यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब अभी यहाँ पर भगवान जो आते हैं वो आत्मा उतारते हैं, और वो देखो अभी तक जो आपने क्लिप्स देखी ना सारी देखी थी भाई समाधि वाले बाबा की दिन की। तो रात का सीन मैं आपको बताता हूँ, ये होती है एक लोहे की बाउंड्री, ये होती है लोहे की बाउंड्री, मतलब चारों तरफ से ऐसे लोहे की बाउंड्री होती है। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, दो लड़कियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ वैसे नॉर्मल वो दोनों बातें कर रही थी,
और वहां पर क्या होता है भाई, पूजा होती है, पूजा के बाद जल छिड़का जाता है सबके ऊपर। तो जल छिड़कने के बाद 2-4 मिनट बाद देख रहा हूँ भाई साहब, वो लड़के मैं ऐसे नॉर्मल बाबा की तरफ देख रहा हूँ, क्या हरकतें हो रही है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो मेरे साथ खड़ी हुई है, ओ भाई साहब ये शुरू बाल खुले हुए, उनके बाल मेरे मुँह पे लग रहे हो, मेरे फटी बढ़िया पूरी, भाग नहीं सकता वहाँ से क्योंकि भाई पीछे पूरी पूरी भीड़ी भीड़ और मैं भाग नहीं सकता। मैंने कहा चल भाई देखता हूँ, थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ भाई बाल पूरा वो कर लिया, और बाउल से पुजारी बात कर रहे हैं भाई कौन सा भूत है कहाँ का भूत है, क्योंकि वो एक कम्युनिकेशन शायद वहाँ पर होता ही नहीं होता, मेरे को नहीं पता, कम्युनिकेट हो रहा था वहां पर, तो वो कम्युनिकेशन चल रहा था। उसके बाद एकदम से क्या हुआ, कम्युनिकेशन के बीच में उसको झटका लगता है पीछे की तरफ, और उसका जो ये पोर्शन होता है ना वहां से फट जाता है और वहां से ब्लड आना चालू हो जाता है। वो सीन देखने के बाद मैं बिल्कुल हैरान, उसके बाद भी वो एक्टिविटी कर रही है, ऐसा नहीं कि रुक गई, अब हमारे सर पे एकदम से चोट लगी तो भाई सुन हो जाएंगे ना, वो एक्टिविटी वो जब भी करे जा रही है, तो मैं बिल्कुल हैरान। फिर पूजा खत्म हुई, मैं जल्दी से वहां से निकला, और उसके बाद जो परिक्रमा करते हैं ना बाबा की, वहां पर ना जलेबी चढ़ाई जाती है, तो मेरे पापा भी जलेबी लेके आए थे, मैंने वहां जलेबी चढ़ाई, और जलेबी में क्या होता है थोड़ा सा खाना होता है और एक जगह बना रखी है कोने पे, वहां आग जलती है, वहां जाके जलेबी को रख के और 7 बार अपने सर के ऊपर घुमाना होता है और पीछे फेंक देना होता है, पीछे मुड़ के नहीं देखना होता। तो मन तो मेरा था पीछे मुड़ के देखने का, बट ये सीन देखने के बाद ना मेरा मन नहीं था कि मेरे ऊपर ऐसा भूत वगैरह पिशाच वगैरह का कुछ सीन सान बने, यकीन मेरे को भी नहीं है, मैं जानता हूँ मेरे को यकीन नहीं है, बट क्या करूँ, वो जो सीन मैंने देखा ना, जो भी वीडियो आपने देखी, तो भाई थोड़ा बहुत लगता है। बाकी ब्लॉग्स आएंगे, हॉन्टेड ब्लॉग्स जरूर आएंगे इस चैनल पे, ऐसा बंद नहीं होता, क्योंकि चीता किसी से भी नहीं होता और विशाल बंदा बहुत ज़्यादा क्रेजी है। तो वीडियो कैसी लगी है ना मेरे को लाइक करके ज़रूर बता देना, नीचे कमेंट करना कि भाई आपकी वीडियो में है इंटरेस्ट कुछ, तो अगर ऐसी और वीडियो देखनी हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, उसके साथ बेल आइकन को दबा लेना ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सारी देख सको। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, बूम।